दरअसल मजाक मजाक में फलक नाज को जिया शंकर ने मिसेस सचदेवा कह डाला। अपने लिए मिसेस सचदेवा सुनकर फलक नाज के चेहरे की हंसी गायब हो गई और वे अचानक से रौद्र रूप में आ गई। ये देखकर जिया के चेहरे के एक्सप्रेशन नहीं बदले, हालांकि उन्हें एहसास हो गया था कि उन्होंने कुछ गलत कह दिया है। इस दौरान गुस्से में भड़कते हुए फलक ने जिया से कहा, आज कह दिया, आगे कभी मत कहना, इतनी जोर से मत बोल, पागल है क्या, खबरदार आज के बाद ऐसा कहा तो। ऐसे में जिया और जद आपस में हंसी थिथुली करते देखे गए। शो में आगे दिखाया गया कि जब बिग बॉस ने टास्क दिया तो उसमें जिया ने जद का नाम लिया, जो कि उन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी था। जद से इस दौरान जिया ने माफी मांगी, लेकिन कहा कि वे जद हदीद का नाम लेना चाहती हैं क्योंकि वे जो कहते हैं वो करते नहीं। इसके बाद अकेले में जिया से जद इस मामले में डिस्कशन करते हैं कि उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। जिया बताती हैं कि आपके साथ ही इस घर में मेरा प्योर रिलेशन है, आपको मैंने अपने परिवार की तरह माना है। दरअसल पिछले दिनों घर के अंदर खराब हुए सिनेरियो के चलते जिया के दिल और दिमाग में कुछ सवाल चल रहे थे, जिसका बदला उन्होंने जद से कुछ ऐसे लिया। हालांकि जद ने जिया के इस बिहेवियर का बुरा नहीं माना और जिया को गले से लगाया और उन्हें चुप कराया। साइरस के जाने पर पूजा को लगा धक्का था। जब साइरस की विदाई हो रही थी, उसके तुरंत बाद मनीष समेत कुछ अन्य सदस्य साइरस के हिस्से के बचे अंडे गिनते दिखे। इस दौरान मनीषा ने मजाकिया अंदाज में कहा था कि लो सारे अंडे अब हमारे। पूजा ने मनीषा को इसके लिए लताड़ा तो मनीषा सफाई देती दिखी। इस पर पूजा ने बोला कि मैं कल पैदा नहीं हुई मनीषा, मैं फॉरगिव कर देती हूँ, मैं बोलती नहीं हूँ, आप खाए, मैं नहीं खाऊंगी, सुबह से मैंने एक चम्मच दाल दो पराठे रोटी खाए है। मनीषा ने ये बात जाकर अभिषेक को बताई और चुगली करती दिखी। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही दिलचस्प जानकारी पाने के लिए हमारा चैनल फॉलो करें।